Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will discuss about the new economic policy. देखिए पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अच्छा ही सोचा. शुरू में प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा इंसेंटिव्स भी नहीं थे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, इसलिए पब्लिक सेक्टर को आगे दिया, लीडिंग रोल दिया. लेकिन जब 40 इयर्स के अंदर देखा कि सफिशिएंट रिजल्ट, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर प्राइवेट सेक्टर को आगे करने के बारे में डिसीजन लिया. दिस इज इन ब्रीफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. जो प्रोटेक्शन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को दे रखी थी, आपको पता ही है, टैरिफ्स के थ्रू, यानी कि हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा के कोटा फिक्स करके, वो थोड़ा सा उसको ख़त्म किया ताकि इंटरनेशनल कंपटीशन हो, बाहर की कंपनीज को इंडिया में अलाउ किया, इंडिया की कंपनीज को बाहर मोर लिबरली अलाउ किया, डीरेगुलेशन किया, बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग का सिस्टम बना रखा था. थोड़ा सा ना ओपन एनवायरमेंट किया. अभी तक गवर्नमेंट क्या है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, हाथ पकड़ के ही पापा चला रहे होते हैं. नहीं, आप में से भी शायद कुछ इस तरह से महसूस कर रहे होंगे कि स्कूल लेवल पे हैं तो अभी तक कंट्रोल है पेरेंट्स का. उसके बाद एक स्टेज के बाद जब आप ट्वेल्थ क्रॉस कर जाओगे तो फिर आपका हाथ ऐसे करके धीरे से छोड़ दिया जाएगा, ले बेटा अब तो कॉलेज में आ गया, अपने हिसाब से अपना जीवन जी. तो कुछ हद तक ऐसे समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने भी ना 40 साल तक जो है वो बिजनेस को अपने हाथ में रखा, कंट्रोल करके देखा. जब 40 साल हो गए, एक तो रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिल रहे थे खैर यहाँ पर, और साथ में फिर लगा कि अब वक्त आ गया है कि थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को ना ओपन अप कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, रिलैक्स कर दिया जाए. ऐसा नहीं है कि आज मतलब कि कोई भी कुछ भी करे, गवर्नमेंट को कंट्रोल तो रखना ही पड़ता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक लिबरलाइजेशन आ गई है ना, ओपननेस आ गई. आइए पढ़ते हैं. तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इसको अनाउंस किया जुलाई 91 में. चलो ये तो अच्छा हो गया. देन इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स आए. मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मेन एम ऑफ द पॉलिसी क्या था? मेन एम था टू क्रिएट ए मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट इन द इकोनॉमी. यानी कोशिश ये हो रही थी कि अब कंपटीशन को बढ़ाया जाए. मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि पहले इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी इंपोर्ट्स वगैरह पे कि इंडियन मैन्युफैक्चरर रिलैक्स था. उसको पता था मैं जैसा मर्जी माल बनाऊं, जिस मर्जी प्राइस पे बेचूं, बिकेगा. लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन ओपन हो गया तो नाउ दे हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड कीप द प्राइजेस एज पर द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स, राइट. और जो बैरियर्स थे, रिमूव द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स. पहले तो नई फर्म्स को खुलना ही अलाउड नहीं था ना, एक तरह से भाई आपको लाइसेंस लेना है, एक्सपैंड करना है तो लाइसेंस लेना है, डाइवर्सिफाई करना है तो लाइसेंस लेना है, हर चीज के लिए लाइसेंस तो चाहिए ही था ना. तो काफी हद तक उन चीजों को खत्म किया गया. अब जो मेजर्स लिए गए, मतलब तो ना जो स्टेप्स लिए गए, मेजर्स वर्ड का मतलब है स्टेप्स, कि भाई क्या स्टेप लिए गए, तो उसको दो कैटेगरी में दे सकते हैं हम. एक है स्टेबलाइजेशन मेजर्स. स्टेबलाइजेशन में सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने स्ट्रांग करो. सबसे पहला स्टेप ये था, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इतने कम रह गए थे कि सिर्फ लोन का इंटरेस्ट देने के लिए और दो हफ्ते के इंपोर्ट बिल्स पे करने के लिए बस, यानी इतने कम पैसे घर में थे डॉलर्स के फॉर्म में. तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने सोचा कि अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, इसकी कमजोरी को दूर किया जाए, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स जो हैं वो क्रिएट किए जाएं. और दूसरा था इन्फ्लेशन, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, दैट वॉज द सेकेंड स्टेप गवर्नमेंट ने सोचा. तो यानी कि एक तरह से इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए दो मेजर स्टेप्स लिए गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इम्प्रूव करने के ऊपर स्टेप लिया गया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. जैसे होता है ना, कई बार कोई आदमी बीमार होता तो कहते हैं पहले इसका टेम्परेचर 102 पे जा रहा है, इसको 98.6 पे लाओ. दूसरा, इसको पेन बहुत हो रहा है तो इसको कुछ पेन किलर्स दो जिससे इसका पेन खत्म हो, फिर ट्रीटमेंट धीरे धीरे करेंगे. तो ये दो पेनफुल चीजें कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही थी, राइजिंग प्राइसेस, उसको कंट्रोल किया जाए तुरंत, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दीज वर द टू स्टेबलाइजेशन मेजर्स. अब आते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, यानी जो अल्टीमेटली रियल सेंस में रिफॉर्म्स लिए. वो क्या था, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी. अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी, पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था एफिशिएंसी का क्या मतलब. एफिशिएंसी का मतलब है भाई जो काम जितने पैसे में होना चाहिए, मिनिमम वेस्टेज के साथ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ वो होना चाहिए, दैट इज द एफिशिएंसी. अब अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको करो. अब मान लेते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो थोड़ा सरकारी माइंडसेट के साथ काम कर रहा था, नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करो. तो एक तरफ इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया कि भाई चलो आप इसमें आगे बढ़ो, और दूसरा थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर को भी जहां जहां हो सकता था प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट को हैंडओवर किया या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू उसमें प्राइवेट इक्विटीज को बढ़ाया. तो दोनों स्टेप्स लिए ना इन्होंने. तो प्राइवेट सेक्टर में तो थोड़ी कंपटीटिवनेस रहती है ना, क्योंकि प्रॉफिट एक सीधा इंसेंटिव की फॉर्म में नजर आता है.
और दूसरा इन्होंने जो इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस थी उसको बढ़ाया। मैंने आपको बताया ना पहले क्या करते थे, बाहर वाली कंपनियों को एक तरह से इंडिया में काम नहीं करने देते थे, अब वो चीज़ जो है वो इन्होंने चेंज करी कि नहीं, अब बाहर की कंपनियों को भी एक तरह से इन्वाइट किया, यानी एक तरफ यहाँ की जो वर्किंग है उसको दुरुस्त किया और एक तरफ इनको कंपटीशन में बाहर भी उतारा और बाहर वालों को आ जाओ तुम भी हमारे साथ मैच खेलो, है ना। इंटरनेशनल प्रोडक्शन सर्विसेज को भी इंडिया में एंट्री दे दी, उससे क्या हुआ इंडियंस भी अब फास्ट दौड़ेंगे जब उनको पता है कि नाउ वी हैव टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल प्लेयर्स। अगर मेन पॉलिसीज की हम बात करें तो उसको हम तीन हेड्स में डिस्कस करेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि भाई अब जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी वो काफ़ी हद तक हट जाएंगी। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है, जो पब्लिक सेक्टर था धीरे धीरे वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगा। और ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, बाहर की कंपनियों को इंडिया में अलाउ करेंगे, इंडियंस को बाहर प्रमोट करेंगे, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड इकोनॉमी, उसको इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिक्स करना है ना। तो ये पिलर्स थे। अब अगर हम बात करें सबसे पहले लिबरलाइजेशन की, सो प्रायर टू 91 देयर वर लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस इन द एरियाज ऑफ लाइसेंसिंग। अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, मैं रिस्ट्रिक्शंस को बुरा मानते हुए रेड कर देता हूं, तो कौन कौन से एरियाज में थी, लाइसेंसिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, इस सब एरियाज में। इसको मैं तीन अलग अलग कलर्स कर देता हूं ताकि आपके लिए याद रखना इजी हो जाए। एक तो लाइसेंसिंग में गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस थी, और डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज इनमें भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस थी। सो गवर्नमेंट ने एक तरह से पूरी तरह से रेगुलेट किया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था लाइसेंसिंग को भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी और फॉरेन एक्सचेंज को भी। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। मैंने आपको बताया ना पहले अगर आपको कोई नई फैक्ट्री खोलनी है तो लाइसेंस चाहिए सर, अगर ऑलरेडी कैपेसिटी से बढ़ना है लाइसेंस चाहिए, जो काम कर रहे हैं उससे मिलता जुलता दूसरा काम करना है उसको तो एक्सपेंशन बोलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट काम करना है जो उससे रिलेटेड नहीं है उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे, अगेन है लाइसेंस। तो हर पर्पज के लिए लाइसेंस वो इतना मुश्किल था, जो बड़ी बड़ी बिग कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए तो ईजी था, छोटों के लिए हमेशा से मुश्किल था। तो काफ़ी हद तक लाइसेंसिंग को ख़त्म किया गया, कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स दे दिए गए जिसके अंदर कोई भी आदमी अपना काम शुरू कर सकता है। तो इसको डीरेगुलेशन बोलेंगे, है ना, डीरेगुलेशन यानी रेगुलेशन का उल्टा, जैसे मैरिट का उल्टा होता है ना डीमेरिट, ऐसे ही रेगुलेशन का उल्टा डीरेगुलेशन, एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब हो गया फ्रीडम कि हाँ करो, है ना, सो दैट इकोनॉमी बिकम टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव, राइट। बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड, करो भाई करो, तुमको प्रॉफिट कमाना है अल्टीमेटली, क्योंकि देखो ना बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास भी तो जाएगा ना, टैक्सेस के फॉर्म में एम्प्लॉयज के पास जाएगा, सैलरी की फॉर्म में बैंक्स के पास जाएगा, लोन पे इंटरेस्ट की फॉर्म में, तो ओवरऑल इकोनॉमी फिर तभी तो प्रोग्रेस करेगी ना। अब अगर हम बात करते हैं पर्पज ऑफ लिबरलाइजेशन की, तो इसमें टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। देखो इंडिया के पास पोटेंशियल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100 करोड़ से ऊपर की हमारे पास पॉपुलेशन है, अनलिमिटेड हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, सब कुछ तो है, सिर्फ विलिंगनेस टू वर्क चाहिए और गवर्नमेंट का अगर साथ मिल जाए, है ना, बिजनेसमैन को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे फ्रस्ट्रेट किया जाएगा, मुझे पागल बनाएंगे, अगर उसको थोड़ा सा एनकरेज किया जाए, और गवर्नमेंट इसको कर सकती है, इसीलिए लिखा है टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड इवन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल्स भी तो इंडिया में आने से पहले डरती होंगी ना, उनको पता है यहाँ पर दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शंस है, काम ही नहीं कर पाएंगे। अब एक कंपनी जो यूएसए की है या किसी भी कंट्री की है वो इंडिया क्यों आएगी, अगर उसको पता है यार यहाँ बड़ा तंग करेंगे, वो किसी और कंट्री में जाके खोल लेगी, काम ही तो करना है वो, ठीक है इंडिया का लालच सबको रहता है बिकॉज इंडिया इज अ बिग मार्केट, बट फिर भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको हरी झंडी नहीं मिले, उनको लगे यहाँ झंझट होगा, वाई दे विल इन्वेस्ट देयर मनी। सो लिबरलाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड को एक तरह से ये कम्युनिकेट किया, वी आर ओपन नाउ, यू कैन प्लीज स्टार्ट योर वर्किंग। तो हमारे अपने प्राइवेट सेक्टर को भी एक तरह से एनकरेजमेंट मिली और बाहर से भी इन्वाइट किया, ठीक है ना। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की मच मोर कंपटीशन इन द इकोनॉमी। कंपटीशन तो लाना ही था एक्चुअली, जो पहले प्रोटेक्शन दी हुई थी ना ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू, उसकी वजह से मैंने बार बार ये पॉइंट बोला है कि हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है ना वो रिलैक्स थे, अब कंपटीटिवनेस तो उनको लानी ही पड़ेगी प्राइसिंग में भी क्वालिटी में भी। अब अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे हमारे को रिफॉर्म्स पढ़ने हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, टैक्स सेक्टर में, फॉरेन एक्सचेंज में, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में।
वो हम एक एक करके अगली वीडियोस में पढ़ेंगे. राइट, क्लासेस अवेलेबल हैं ngpclasses.com. थैंक यू.